चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर भी राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। योजना में अब तक 23 लाख खाते खोले गए हैं। 4238 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई है। बेटियों के सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। बालिकाओं को योजना से जोड़ने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने। कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दिए। सुकन्या योजना में मध्य प्रदेश नंबर वन रहा है। योजना में अब तक 23 लाख खाते खोले गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश नंबर वन बना है। योजना में अब तक 23 लाख खाते खोले जा चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी खबर है। जिस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना को जो अभिभावक के उनका जो योगदान मिला उसके ही फलस्वरूप आज ये जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, इससे 23 लाख जो है खाते खोलकर मध्य प्रदेश नंबर वन पे आ गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सशक्त बनाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में पूरे देश में प्रथम जो है आई है। मध्य प्रदेश में प्रथम आई है। मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि जो योजना है अब तक 23 लाख खाते खुल चुके हैं, जिसमें कुल 4238 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो चुकी है। और अब जो बैंक के साथ साथ डाक विभाग के सहयोग से भी वर्तमान वित्त वर्ष में 5,68,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के जो कन्या है उनकी भविष्य की चिंता करते हुए इस तरह से खाते खुलवा रहे हैं। ये जो है बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश के मैं गांव के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं और आर्थिक रूप से समृद्ध स्वावलंबी बनाने के लिए डाक विभाग भी अब बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं और ज्यादा खाते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश नंबर वन बन गया है। योजना में अब तक 23 लाख खाते खोले जा चुके हैं। 4238 करोड़ से अधिक की राशि जमा।